मुस्कुराहट इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। स्माइल इज मस्ट नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। अगर हम इंसान हैं तो मुस्कुराना बहुत आवश्यक है, लेकिन वो मुस्कुराहट कहाँ मिलेगी? मेरे भाई बहनों, इंसान सुखी होगा तो मुस्कुराएगा, और इंसान के जीवन में दुख है तो वो मुस्कुरा भी नहीं पाएगा। पहले देखिए, हमारे पूर्वज अभावों में जीवन यापन करते थे, सुख सुविधाएं कम थी, पहले मकान सबके कच्चे कच्चे थे, साधन नहीं थे। जोधियासी से अगर नागौर जाना होता तो पैदल जाते, पैदल वापस आते। कपड़े सिर्फ दो ही जोड़ी होते थे, उसी को पहनते, धोते, सुखाते, वापस पहन लेते। लेकिन फिर भी चेहरे पर आनंद था, मौज थी, मुस्कुराहट सदैव बनी रहती थी। अब आज हालत देखिए, पहले से ज्यादा धन आ गया है आपके पास, पहले से ज्यादा साधन सुविधाएं हो गई है। मकान अगर आप ढूंढने जाओ तो भी आपके गांव में कोई कच्चा मकान नहीं मिलेगा। और कपड़ों की बात करें तो आजकल माताओं के पास तो इतने कपड़े होते हैं कि अलमारी खोले तो पहाड़ के पहाड़ सामने आ गए। लेकिन फिर भी जो मुस्कुराहट होनी चाहिए थी वो अब नहीं रही। पहले कोई त्योहार आता, कोई मेरे भाई बहनों उत्सव आता, कितने उत्साह से हम उस त्योहार को, उस उत्सव को मनाते। होली दिवाली आती तो 8-10 दिन पहले तैयारी शुरू हो जाती थी, और होली दिवाली निकलने के बाद भी 5 दिन तक तो होली दिवाली की खुमारी नहीं उतरती थी। अब आज कैलेंडर में देखना पड़ता है कि कब दिवाली आई और कब होली निकल गई। पहले प्रत्येक मनुष्य चिड़िया की तरह चहचहाता था, लेकिन मेरे भाई बहनों आज वो चहचहाहट रुदन में बदल चुकी है। कथा में भी आप लोग ऐसे बैठे हो जैसे आपको जोर जबरदस्ती से खींच खींच के लाए होंगे कि कथा तो सुननी पड़ेगी वरना गोली मार के उड़ा देंगे। आप लोगों के चेहरे देख करके ऐसा लग रहा है कि पठानकोट का अगला आतंकी हमला अपने जोधियासी पे ही होने वाला है। ऐसे गंभीरता से बैठे, माताओं को ही धमका करके कथा में लाया है क्या? आपको कथा में आए हो तो थोड़ा तो मुस्कुराओ, ऐसे क्यों मुंह चढ़ा करके बैठे हो जैसे कि अगला तीसरा सर्जिकल स्ट्राइक अपने यहीं पे होने वाली है। सत्संग में तो मुस्कुराहट होनी चाहिए, मौज होनी चाहिए, चेहरे पर आनंद होना चाहिए, और कथा में ही ऐसे मुंह चढ़ा के बैठे हो तो घर पे तो आपकी क्या ही हालत होती है।